गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग फिर से क्लास ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आज ही भी फटाफट ज्वाइन करिए क्लास, मैसेज करिए, जितने लोग आ जाते हैं मैसेज करें बेटा। चले गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चले आज की क्लास हम लोग पैथन की क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी दिन ब्रेक करने के बाद आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथन। पैथन की ट्यूटोरियल में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, फंक्शन तक वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए थे। आज हम लोग जो टॉपिक देखना था, जो रह गया था, वो एरे रह गया था। ARRAY एरे, ARRAY एरे माने बीमी ग्रुप से मतलब है, इसे संघ से मतलब है, ठीक है। तो हम लोग एरे चलने स्टार्ट करें, ठीक है। गुड मॉर्निंग दिव्या जी, गुड मॉर्निंग जया जी। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग, एरे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलें फटाफट स्टार्ट हो जाए, रब पेन के साथ बैठिएगा, चूँकि आज का टॉपिक हम एरे पढ़ने चल रहे हैं पैथन में। और पैथन में अगर आप एरे पढ़ने चल रहे हैं तो इससे पहले आपने बहुत सारा वीडियोस देखा था, उसी के अकॉर्डिंग में आप बात करेंगे। देखिए एरे, ARRAY। तो सबसे पहली बात देखिए क्या आया है इन एरे, सॉरी इन पैथन। पैथन में सभी स्टूडेंट बी केयर, स्टार्ट हो गई क्लास। आज की पहली क्लास है बेटा एरे फंक्शन के बाद। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने भी प्रीवियस में कुछ वीडियोस साथ में पैरेलली बना रहे हैं, आईटी टूल्स के डिफरेंसेस भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एरे में क्या देखें, इन पैथन, पैथन में एरे इज एन ऑब्जेक्ट। एरे में ऑब्जेक्ट, एरे इज एन ऑब्जेक्ट, एरे भी एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि लिस्ट एक ऑब्जेक्ट बनता था, जैसे आपने देखा था टपल एक ऑब्जेक्ट बनता था। और आपको मैं बता दूँ, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सीधे सीधे संपर्क उसका क्लास से। हमने हालांकि क्लास आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। क्लास का जो उपभोग करने वाला है, वंशावली चलाता है, जो औलाद होता है, वी कैन से दैट उनकी जनरेशन नेस्ट वाली होती है, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। प्रत्येक क्लास के अपने ऑब्जेक्ट है। जैसे समझने की बात ये है कि मानव जाति एक है, पूरा पूरा क्लास है, और रमेश, रीना, सीता, गीता, अंजलि, ये सब क्या हैं, सब ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। आते हैं, एरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म। एरे एक ऑब्जेक्ट है जो उपलब्ध कराता है एक तरीके को, क्या तरीका कराता है, फॉर स्टोरिंग सेवरल डाटा, एक से ज्यादा डाटा को, आइटम्स विथ वनली ऑन वन आइडेंटिफायर, मतलब एक ही आइडेंटिफायर पर एक ही ऑब्जेक्ट का नेम रहेगा, लेकिन वो होल्ड क्या रखेगा अपने ऊपर, मल्टीपल वैल्यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं रानू जी, जैसे लाइक ऑफ लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में आपने देखा था एक ही ऑब्जेक्ट था, मतलब एक ही आइडेंटिफायर था, और वो वैल्यू कई रखा था अपने अंदर, है ना। चलो कोई बात नहीं, टॉपिक में आते हैं, फिर से आप सुनिए। पैथन में एरे भी एक ऑब्जेक्ट है जो आपको मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है, सुविधा प्रोवाइड करता है स्टोरिंग, रखने के लिए, सेवरल डाटा माने एक से ज्यादा डाटा, आइटम्स को, और वो भी एक ही आइडेंटिफायर के नाम से, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर सिंप्लीफाइंग द टास्क ऑफ डाटा मैनेजमेंट, जिसकी मदद से आसान होता है डाटा को मैनेजमेंट करना। एरे इज बेनिफिशियल इफ, एरे आपका लिए बेनिफिशियल तब है, सुविधाजनक, लाभदायक तब है, यदि इफ वी वॉन्ट टू या वी नीड टू, हम लोगों की जरूरत पड़ती है टू स्टोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डाटा टाइप। अगर आप एक सिमिलर चीज़ों का समूह बनाना चाहते हैं तो हम लोग डाटा का यूज करते हैं। सिमिलर का मतलब क्या है, जैसे आप चाहते हैं चिड़ियों को एक बुलाना, चिड़ियों को इकट्ठा करना, तो हम लोग बहुत सारी चिड़ियों को इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें दूसरी प्रजाति नहीं आएंगे, उसमें कोई और जानवर नहीं आएंगे। अगर दो पैर वाले जानवर मैंने बुलाए हैं तो उसमें दो पैर वाले जानवर आएंगे, ना कि चार पैर वाले जानवर आएंगे। जब चार पैर वाले जानवर को इकट्ठा करेंगे तो उसमें चार पैर वाले जानवर आएंगे, दो पैर वाले नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी, कह रहे हैं सर हम दो पैर वाले जानवर हैं, बिल्कुल सही। आप एक इंटेलिजेंस एनिमल हैं, जो सभी के, आप वी कैन से दैट किंग ऑफ एनिमल हैं आप, ठीक है। चलें कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं। ये बात एरे समझ में आ रही है, एरे की दूसरी बात देखिए, इन पैथन, पैथन में एरे कैन इंक्रीजेज, एरे क्या करता है, इंक्रीजेस करता है, एरे इंक्रीजेस करता है और डिक्रीजेस दियर साइज डायनेमिकली। यहां भी जो साइज होती है वो डायनेमिकली बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आप सब जानते हैं लिस्ट में हम लोगों ने पढ़ा पढ़ रखा है, लिस्ट से वैल्यू हटा देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, यहां भी ऐसा हो सकता है, ठीक है।
बिल्कुल सही जवाब भैया। सौरभ जी जानना चाहते हैं, सर हमने लिस्ट पढ़ रखा है तो एरे क्या जरूरत है। बेटा हम देखेंगे एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो एरे आपको पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। आप ये कहें कि जो आपका लिस्ट है वो इससे भी सुपर है, ये कह सकते हैं आप। और आपको बता दूं, इसीलिए एरे का यूज पैथन में नाम मात्र के लिए होता है, क्योंकि आपको उससे बढ़िया चीज़ें मिल गई हैं। जब आपको बेटा उससे बढ़िया चीज़ें मिल गई तो आप छोटी चीज़ को देखेंगे। आप साइकिल को उम्मीद तब नहीं करेंगे जब आपके पास मोटरसाइकिल ऑलरेडी होगी चलने के लिए, और आप मोटरसाइकिल को उम्मीद तब नहीं करेंगे जब आपके पास फोर व्हीलर होगी, फिर क्यों करेंगे उससे अच्छी चीज़ जब आपके पास है तो। लेकिन फिर भी है तो सर जानना चाहिए। तो एरे आपके सब्जेक्टिव में है तो हम लोग एरे जान रहे हैं, कोई डाउट? तो आपने अभी जो नई लाइन देखा इन पैथन में कि एरे कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज दियर साइज डायनेमिकली, आप जैसे जैसे लिस्ट में उसके साइज को बढ़ा सकते थे घटा सकते थे, वैसे इसमें भी कर सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द वेरी सिमिलर एज लाइक ऑफ लिस्ट एंड एरे, बट बेसिक डिफरेंसेस वी आर डिस्कस अबाउट अ नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे की बात देखते हैं हम लोग, अगली लाइन क्या है। देखिए कुछ एक फिगर बना के बताया गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए इसमें सिमिलर चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट का कलेक्शन है, तो ये एरे कह सकते हैं। अब एरे किसका है? ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे एम्प्लॉइज का अपना ग्रुप है, मतलब यहाँ पर जितने भी हैं सब लोग एम्प्लॉइज, उसमें स्टूडेंट नहीं है। अगर आप ये ग्रुप की बात करोगे, इसमें देखो एम्प्लॉय कोई नहीं है और इसमें देखो कोई स्टूडेंट नहीं है, तो मतलब आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग अपनी दुनिया होती है सिमिलर चीजों की। अगला देखिए क्या है, ग्रुप ऑफ डॉग्स, यहाँ पे देखिए कितने क्यूट से डॉग्स हैं ना, हैं तो डॉग छोटे बड़े डजंट मैटर, लेकिन हैं एक ही प्रजाति के, ठीक है। एम्प्लॉय भी कॉमन नाउन, उसमें हम लोग फीमेल तो मेल और फीमेल जेंडर तो इसमें सही करने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट में भी जेंडर करने की बात नहीं है, है ना। तो कुल मिलाकर ग्रुप की बात किया गया, तो आपको दिख रहा है एरे क्या है, एरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, ग्रुप ऑफ डॉग्स। ये रियल लाइफ से आपके लिए आ गया, इसमें इससे कोई लेना देना है नहीं। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे सर, ग्रुप ऑफ इंटीजर और ग्रुप ऑफ फ्लोट्स, कुछ ऐसी बातें यहाँ करेंगे, ठीक है। आगे टॉपिक बात करेंगे ग्रुप ऑफ इंटीजर का, जैसे 10, 20, 40, 5, 6, तो आप 10 to 45, 6, ये देखिए ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का है। अब ग्रुप ऑफ फ्लोट का भी हो सकता है, 15.4 पॉइंट इसमें लगे हों, ये फ्लोट का ये ग्रुप का, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, एरे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, एरे लिस्ट से बहुत कुछ नाता है लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी है, और आप पहली रख सकते हो दिमाग में लिस्ट और एरे के साथ में, कोई बात नहीं। अगले टॉपिक चले चले, एरे कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डाटा, सबसे बेसिक डिफरेंस है। अभी आपने सौरभ जी ने पूछा था सर क्या डिफरेंस है लिस्ट और एरे में, तो आप एरे से यही समझ लीजिए, एरे कर सकता है केवल स्टोर एक जातीय डाटा, मतलब या तो उसमें इंटीजर होगा तो फ्लोट नहीं हो सकता है, फ्लोट होगा तो उसमें इंटीजर नहीं हो सकता है, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं था। आप इंटीजर हो फ्लोट हो कुछ भी उड़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट? सौरभ जी कंफ्यूजन क्लियर, आपका जो था कंफ्यूजन क्लियर हुआ, चले कोई बात नहीं। इन पैथन द साइज ऑफ एरे इज नॉट फिक्स, पैथन में साइज एरे का फिक्स नहीं होता है। मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट्स को, इससे पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इसके पिछले इतिहास में अगर देखा जाए तो वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिक्स्ड होता था एरे। पैथन ने केवल ऐसा बेनिफिट दिया है कि एरे को आप क्या कर सकते हो, आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, नॉट फिक्स, यहाँ फिक्स नहीं है, जबकि वह होता था। हालांकि होता था तो क्या मतलब है, हम लोग अभी जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं उससे मतलब होता है। एरे कैन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस देयर साइज डायनेमिकली, एरे क्या करता है, एरे कैन कर सकता है इंक्रीजेस, बढ़ा सकता है अपनी साइज को, एंड डिक्रीजेस कम कर सकता है दियर साइज, अपनी साइज को, अपने साइज को वो डायनेमिकली तत्कालिक रूप में बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, एरे एंड लिस्ट आर नॉट सेम, बच्चे समझ लें इस बात को, एरे लिस्ट दो अलग अलग चीज़ हैं, सेम नहीं है। हाँ वी कैन से दैट समथिंग इज सिमिलर एंड समथिंग इज डिफरेंट, कुछ सिमिलर है और कुछ डिफरेंस है, कोई डाउट? चले नेक्स्ट वीडियोस पे हम लोग चलते हैं। सॉरी एक लाइन और बचा हुआ है, एरे यूज लेस मेमोरी देन लिस्ट, हाँ एरे जो होगा वो लिस्ट से कम मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। इसके मार्मिकता पे न जाइए, केवल ये जानिए कि एरे यूजेस लेस मेमोरी देन लिस्ट, कोई डाउट? कभी आ जाए डिफरेंसेस आ जाए कि एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो टेक योर टाइम, स्क्रीन शॉट आपके सामने है, आप ले लीजिए। एरे
को अगर आपको डिफर करना हो लिस्ट से, तो ऐसा कुछ कह सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं, उसकी स्टोरिंग, उसको एक्सेसिंग में भी सिमिलर, बहुत सारे मेथड्स भी आप देखेंगे सेम टू यूज़ करते हैं इसमें। आगे बढ़े चले, वाई वी नीड एरे, सर नीड क्यों है, एरे की ज़रूरत क्या है मुझे, तो देख लीजिए भाई क्या ज़रूरत है। जैसे आपको कुछ वैल्यू है 101, 102, 101, 102, 103, 104, 105, मतलब 101, 102, 103, 104 और 105, देयर आर द फाइव वैल्यूज वी कैन स्टोर इन एरे, अगर आप एरे में स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल नॉर्मल लेंगे, अगर पांच ये वैल्यूज हैं आपके पास में और पांच जगह रखना है, तो एक STU1 रोल नंबर लेंगे, मान लो रोल नंबर है पांच स्टूडेंट का, तो 101 कहाँ स्टोर कर लेंगे, एक अलग ऑब्जेक्ट पे, स्टूडेंट टू नाम का रोल नंबर दूसरे वेरिएबल पे, तीसरा तीसरे वेरिएबल पे, ऑब्जेक्ट पे वी कैन से दैट, भाई देखिए ये वैल्यू किस टाइप की, इंटीजर क्लास की है तो ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब इंटीजर क्लास ऑब्जेक्ट हो गया, इंटीजर ऑब्जेक्ट, इंटीजर ऑब्जेक्ट, इंटीजर ऑब्जेक्ट, इंटीजर ऑब्जेक्ट, दो बाइट दो बाइट दो बाइट दो बाइट, आठ बाइट कंज्यूम किया है, सबके मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, मतलब सबका अपना एड्रेस अलग अलग होगा, प्रिंट करा के देख सकते हैं आप। आगे स्टूडेंट फाइव, आप देख रहे हैं पांच बार आपको पांच ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत पड़ते हैं, मतलब हम बोले तो पांच आइडेंटिफायर, बी केयरफुल बेटा, ध्यान रखना बहुत ही कंसेप्चुअल क्लास है एरे, क्योंकि एरे कोई कीवर्ड नहीं जिसको लगा के हम लोग काम करते हैं, एरे कंसेप्ट है, बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप नॉर्मल, अगर शुरू शुरू में बात करें, हम लोग किसी भी वैल्यू को होल्ड कराना चाहें तो एक आइडेंटिफायर लगाना पड़ा है, तो यहाँ पर कितने आइडेंटिफायर दे रहा, देखें आइडेंटिफायर, फर्स्ट आइडेंटिफायर STU1 अंडरस्कोर रोल, STU2 रोल नंबर, स्टूडेंट 3 का रोल नंबर, स्टूडेंट 4 का रोल नंबर, स्टूडेंट 5 का रोल नंबर, आप देख रहे हैं पांचों जो आपके रोल नंबर थे और वो स्टोर करना पड़ा, तो आपको पांच अलग अलग आइडेंटिफायर लेने पड़े, टोटल पांच आइडेंटिफायर हो गए, ठीक है। प्रिंट STU रोल कर लोगे तो आपको क्या होगा, केवल एक स्टूडेंट का नंबर दिखाई देगा, सबको दिखाई नहीं देगा, 101 दिखाई देगा, और प्रिंट करके टू करेंगे तो दो दिखाई देगा, बात हमारी शायद समझ गए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आउटपुट दिखाई देगा, कोई कन्फ्यूज़न बेटा, बिल्कुल इजी तरीके से रानू जी बताया जा रहा है, याद रखें इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता है एरे को स्टैंडिंग कराने का तरीका, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ें, ये स्टूडेंट समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम लोग असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, आप अलग अलग वैल्यू है तो अलग अलग बार प्रिंट करा रहे हैं, जी जी दिव्या जी कह रहे हैं सर एक में ही तो करा सकते हैं, बिल्कुल सही जया जी कह रही हैं एक में करा सकते हैं, कॉमा लगा करा लें, लेकिन मतलब क्या होगा, आपको लिखना तो उतने आइडेंटिफायर ही करने होंगे, है ना, उसमें डिफरेंसेस नहीं होंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए जैसे 101, 102, 103, 104 और 105, ये पाँच वैल्यूज अलग अलग हैं, ठीक है, और अगर हम यही काम एग्जैक्टली यही रोल नंबर हम लोग अगर एरे में करते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, आपने यही काम जब किया तो कैसे आपको आइडेंटिफायर, फाइव डिफरेंट आइडेंटिफायर यूज़ करने पड़े, ठीक है, जबकि आप ये देख रहे हैं जब ये आप वैल्यूज आप होल्ड करने चल रहे हैं, तो हम कैसे, हम लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे, नाम ही क्या है, वाई वी यूज़ एरे, हम लोग एरे का यूज़ क्यों करते हैं, तो देख लीजिए सोल्यूशन है आपके सामने, आप यही काम एक लाइन में कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, STU रोल, मात्र आपने एक आइडेंटिफायर बनाया जिसका नाम है स्टूडेंट रोल, और उसमें आपने एरे एक क्या है, एरे एक मेथड्स है, तो इसके बारे में अभी नहीं जाने ज़्यादा, अच्छा अभी तो मैं एग्जांपल बताऊंगा, इसके बारे में बहुत डीप में बताने वाला हूं मैं। देखिए आपने यहां पर एक लाइन में काम कर लिया, और सबसे खास बात देखिए, ओनली वन आइडेंटिफायर होल्ड द डिफरेंट वैल्यूज, बट हेयर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होल्ड अ डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफायर, दीज आर द वेरी कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्रोग्रामर फॉर हैंडल द प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये प्रोग्रामर को हैंडल करना थोड़ा सा कठिन काम है, और जबकि हम लोग इससे एक लाइन में काम कर ले रहे हैं। चलिए आगे स्लाइड्स में देखते हैं क्या है, फॉर एलिमेंट इन STU रोल नंबर, अगर हम लोग इसको निकालना चाहें, अभी तो आपने देखो ये होल्ड करने का तरीका था, ठीक है, और ये देखो कैसे आप इसे एक्सेस करते हैं, तो लूप चला के कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, ये फॉर एक कीवर्ड है, इन एक कीवर्ड है, STU रोल नंबर क्या है, STU रोल नंबर क्या बेटा, एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। आगे देखिए क्या करिए, प्रिंट प्रिंट एलिमेंट, एक देखिए इंडेंटेशन इसमें लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर दिस इज द मिस्टेक ऑफ द टाइपिंग, नॉट मिस्टेक ऑफ द STD मटेरियल, ध्यान रखना ये STD मटेरियल का कोई
कंफ्यूजन नहीं है, ये इंडेंटेशन रूल फॉलो करना चाहिए था, आप समझ गए स्टूडेंट्स, ये इंडेंटेशन मार्क है तो हम लोगों को शिफ्ट करना चाहिए 4 स्पेसेस अंडर दिस लाइन। कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं दिव्या जी, कोई बात नहीं, टॉपिक पर आगे बढ़े हम लोग। ये देखिए आपको कुछ बताया जा रहा है, एरो देखिए आप, यही काम जो आप नॉर्मल आइडेंटिफायर के साथ करते हैं वही काम आप डायरेक्टली कैसे एक पार्टिकुलर लाइन में कर ले रहे हैं, ठीक। जो आपने STU1 रोल नंबर, STU2 रोल नंबर, STU3 रोल, STU4 रोल, STU5 रोल, 5 आइडेंटिफायर यूज किया, उसका एक ही आइडेंटिफायर यूज कर लिया, कुछ भी STU रोल कर लिया, और ये जो 5 वैल्यूज हैं एक बार ही कॉमा लगा के दे दिया, मतलब हम STU रोल पर हम 5 तरह की वैल्यूज होल्ड किए हैं और 1x1 हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द फॉर लूप। अब फॉर लूप कैसे काम करता है आप तो पहले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, तो आप जरा देखिए इस चीज के लिए ये जिम्मेदार है। आप एक्सेसिंग आप करने की बात करते हैं तो यही काम ये लाइन से हो गया, जबकि आपकी आप सीधे देख रहे हैं कि रिड्यूस द कोडिंग स्टेटमेंट, केवल कोडिंग स्टेटमेंट रिड्यूस करने का काम करता है, बहुत ईजी है, ठीक है। आगे टॉपिक में बढ़े, टाइप्स ऑफ एरे, अभी एरे तो आपने देख लिया, वाई यूज एरे, कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी अगर जेन्युइन बात करें हम साधारणतया सामान्यतया तो 1 डायमेंशन एरे जिसे 1D एरे के नाम से भी जानते हैं, सिंगल रो मल्टीपल कॉलम्स, एक ही रो में आपको मल्टीपल वैल्यूज दिखेंगे तो हम लोग सिंगल रो मल्टीपल कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। आगे की बात कर लें, देखें जरा एग्जांपल, देखिए स्टूडेंट्स रोल नंबर, अगर मुझे स्टूडेंट्स रोल नंबर रखने हैं 101, 102, 103, 104, 105, तो ये स्टूडेंट रोल नंबर जो आप देख रहे हैं तो इसमें सिंगल रो है और कॉलम क्या है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम और 5 कॉलम, जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है रो होता है, स्टूडेंट सब जानते हैं। तो आप देख पा रहे सिंगल रो मल्टीपल कॉलम है, ये 1D एरे कहलाता है हमारा, ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशन एरे, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम्स। अब बात को समझिएगा, अभी आप केवल एक स्टूडेंट्स का, आप सपोज दैट एक स्टूडेंट है उसके आप मार्क्स सोचो, सपोज दैट सोचो, अब रोल नंबर ना मानो इसको, एक स्टूडेंट के लिए ये मार्क्स आप रख रहे हो, क्या रख रहे हो भाई, हिंदी में इतना पाया हुआ है, इंग्लिश में इतना पाया हुआ है, मैथ में ये पाया हुआ है, साइंस में ये पाया हुआ, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया हुआ है, कोई इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है और 5 सब्जेक्ट उसने गेन किए हैं तो अलग अलग मार्क्स रहेंगे उनके। अब जरा देखिए मल्टी डायमेंशन एरे क्या मतलब है, स्टूडेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स मार्क्स, अब जरा देखिए, अब यही मार्क्स यहाँ पर, रोल नंबर ना समझिए मार्क्स समझ लीजिए तो बात ज्यादा समझ में आएगा, रोल नंबर हटाइए यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क लिख लीजिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई टाइपिंग करते समय, थोड़ा सा हो जाता है बेटा, बहुत ज़्यादा वर्ड लोड रहता है और टेक्निकल इशूज है, थोड़ा सा हो जाएगा, हालांकि हम तो आपको कंकरेंटली पढ़ा रहे हैं तो आप इसको चेंजेस कर लीजिएगा। हाँ, PDF स्क्रीनशॉट करेंगे आप लेंगे तो वहाँ पे तो आवाज़ होगी नहीं जो आपको सही गलत बताए, इसीलिए किसी बीच में बंदे को होना चाहिए जो आपको क्लियरेंस कर पाए चीज़ों को, वैसे डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। अच्छा, 40, 60, 70, 80, 30, ये एक स्टूडेंट का मार्क है, अगर दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स होगा तो हम लोग तो इसमें बेटा ये काम कर नहीं पाएंगे, है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसी काम के लिए हमें मल्टीपल इसके लिए रो यूज करना पड़ेगा, दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, मार्क्स हो गया, तीसरे का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फर्स्ट स्टूडेंट दिस इज अ सेकेंड स्टूडेंट, तो आप देख रहे हो सिंगल रो में हो ही कहाँ पाएगा, मल्टीपल रो होगा और मल्टीपल कॉलम होगा, और इसी मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम के हम लोग कंसेप्ट को क्या कहते हैं, 2D एरे कहते हैं, क्या कहते हैं, 2D एरे कहते हैं। अच्छा, आगे देखें, नोट करके लिखा गया, ध्यान सुनिएगा, पैथन डज नॉट सपोर्ट मल्टी डायमेंशन एरे, पैथन नहीं सपोर्ट करता है मल्टी डायमेंशन एरे, बट वी कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशन एरे, जबरदस्ती है पैथन नहीं करेगा सपोर्ट, जबरदस्ती है हम लोग कर सकते हैं मल्टी डायमेंशन एरे, लेकिन यूजिंग थर्ड पार्टी, मतलब किसी से हाथ मिलाना पड़ेगा, मतलब हमको किसी से कुछ लेना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी, और मदद लेंगे हम लोग एक पैकेज से, और पैकेज का नाम है NumPy, NumPy न्यूमेरिक, यहाँ पर NumPy एक है, इस पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे अलग से तो हम लोग मल्टी डायमेंशन एरे या इंटीजर के अलावा मैं करेक्टर की बात करूंगा, स्ट्रिंग को हैंडल करने की बात करूंगा तो ये काम कर सकता हूं, ठीक है, हालांकि ये स्ट्रिंग और इंटीजर हम लोग आगे बात करेंगे। फिर सुन लीजिए, टाइप्स ऑफ एरे 2 होते हैं, 1 डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे।
मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम, जबकि सिंगल एरे का मतलब होता है, मतलब 1D एरे का मतलब होता है, वन डायमेंशन एरे का मतलब सिंगल रो मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, वन डायमेंशन एरे के बारे में पहले देखिए, वन बाई वन, सिंगल रो मल्टीपल कॉलम्स आप देख पा रहे हैं, 101, 102, 103, 104 और 105। एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, इसी को हम लोग वन डायमेंशन एरे कहते हैं। कोई डाउट, वन डायमेंशन एरे बहुत ईजी है। सिंटैक्स, हाउ टू डिक्लेयर डी, सर इसको हम बनाएंगे कैसे, अभी तो आपने बता रखा है कैसे करना है, अभी कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। स्क्रिप्टेड वेरिएबल नेम का मतलब यहाँ पर वन डायमेंशन एरे नेम, एक्चुअली क्यों कहते हैं बाद में देखेंगे, ऑब्जेक्ट नेम है यहाँ पे, केवल है एरे ऑब्जेक्ट नेम ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे। एरे ऑब्जेक्ट नेम को स्क्रिप्टेड ऑब्जेक्ट नेम भी कह सकते हैं, हैं कहानी इसके पीछे, मर्म जिसके पीछे है बाद में देखेंगे। एरे क्या है, यहाँ एरे नाम का एक क्या है, मॉड्यूल है, एरे नाम का एक मेथड्स है, इसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर करेंगे। डाटा टाइप कोड, यहाँ पर आपको एक कोड लिखना पड़ेगा सिंगल कोटेशन मार्क में, जो नहीं दिखाया गया है। ठीक है, आपको कोड डिक्लेयर करना पड़ता है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं V1, V2, V3, VN, आप देख लीजिए एग्जाम्पल में बात समझ में आ जाएगी आपको। AR क्या है, यहाँ AR एक प्रकार का स्क्रिप्टेड वेरिएबल नेम, या हम लोग इसे एरे ऑब्जेक्ट नेम कहेंगे। इंट क्या है, यहाँ पर इंट सिंगल कोटेशन मार्क में होना चाहिए, यहाँ इंट नहीं लिखा जाता है, इंट के सिंगल कोड बनाए गए हैं, आई आई मात्र यहाँ रहेगा केवल, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया गया है, यहाँ आई सिंगल कोटेशन मार्क में रहेगा, फिर कॉमा रहेगा, एन टी हटा लीजिए। ठीक है, और ये एरे का अपना सिंबल है, जो कि आपने गलत कर दिया है टाइपिंग में, यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट यहाँ रहेगा, फिर ये पैराथेसिस रहेगा। एरे मेथड के अंदर दो आर्गुमेंट पास करना होता है, पहला होता है डाटा टाइप कोड, जो कि सिंगल करेक्टर को होता है, सिंगल कोटेशन में करते हैं, कॉमा, फिर क्या होता है हम लोग स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर, इस स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज सिमिलर जाति के, मतलब सिमिलर डाटा टाइप के यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, अब इंपोर्ट एरे मॉड्यूल, सर कैसे इंपोर्ट करेंगे एरे मॉड्यूल को, आप डायरेक्ट अगर आप सोच रहे हो मैं एरे यूज कर लूँ, तो एरे डायरेक्ट यूज नहीं होता है, जैसे अभी तक आप प्रोग्रामिंग करते चले आए हैं स्टूडेंट्स फंक्शन तक, आपको कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट मतलब इंक्लूड करना पड़ता है, इंक्लूड मतलब होता है बनी हुई चीज़ों को अपने कोडिंग के साथ में हिस्सेदारी में लेना, तो वी हैव टू वे ऑफ इंपोर्ट एरे मॉड्यूल, हम लोग दो तरह से एरे मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने कोडिंग में। इंपोर्ट एरे, हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, एरे नाम का मॉड्यूल यूज करेंगे, ये दोनों जो कलर आपको दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली में इसी को लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट एरे, तो दिस विल इंपोर्ट द इंटायर एरे मॉड्यूल, तो एरे का पूरा पूरा मॉड्यूल आ जाएगा। बच्चे बोलेंगे सर मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल एक्चुअली में कंप्लीट किसी चीज़ का बनाया गया कंप्लीट टास्क है, जिसमें बना के रखा गया है उसके पूरे बारे में, और उस मॉड्यूल को आप यूज करते हो और काम हो जाता है। ठीक है, जैसे हिंदू एक मॉड्यूल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित है, आप उसका यूज करते हो, है ना, तो हिंदू तो एक ही है भाई, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर हम कास्ट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ चार कास्ट है, जो चारों कास्ट को, अगर आपको चारों कास्ट लेना है तो इंपोर्ट एस्टिक और इंपोर्ट एरे और यहाँ पे स्टिक सिंबल लगाना होगा, उससे सभी क्लास, सभी फंक्शन, सभी चीज आएंगी, लेकिन आप यहाँ केवल एरे करेंगे तो एरे का केवल मॉड्यूल आएगा बस। ठीक है, कुछ लिमिटेड चीजें होंगी, आप ऐसा समझिए, आगे देखिएगा, या तो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं एस्टिक लगा के भी, एस्टिक लगाने का मतलब होता है दिस विल इंपोर्ट ऑल क्लास ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स एक्सेट्रा फॉर्म एरे मॉड्यूल, उसमें केवल मॉड्यूल आएगा और इसमें पूरे मॉड्यूल के साथ साथ क्लासेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिएबल्स एक्सेट्रा फंक्शन सब कुछ आ जाएंगे, और यहाँ पर एस्टिक का मतलब होता है आल। तो गाइज आप समझ पा रहे हैं कि इंपोर्ट एरे मॉड्यूल को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट एरे से या फ्रॉम एरे इंपोर्ट से, और एस्टिक सिंबल लगाना होगा। जी रानू जी क्या डिफरेंस है, रानू जी जानना चाहती हैं दोनों में सर डिफरेंस क्या है। बेटा एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और कई बार हमसे कमेंट करते हैं, और वैसे ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं सर ऑनलाइन क्लास चलती है क्या, कैसे रानू जी क्वेश्चन अपना पूछ लेती हैं, कैसे साक्षी जी अपना क्वेश्चन पूछ लेती हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग,
तो मैं आप सबको बता दूं, आप व्हाट्सएप ऑन करिए बेटे, चैटिंग से पूछते हैं लोग, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहिए, मेरे पास चैटिंग ऑन है और चैटिंग से आप, मैं देख पा रहा हूँ आप क्या क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मेरे स्क्रीन पे आपकी चैटिंग भी है और जिससे मैं आपकी क्वेश्चन को, आपके चैटिंग को देखता रहता हूँ, आपका आंसर देता रहता हूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए है जो कंकरेंटली क्लास ज्वाइन किया होगा, अभी बाद में देखने वाले के साथ ये सुविधा नहीं प्रोवाइड होगी। तो ये आइडिया लगा लीजिए कैसे आप इस ऐसा आप कैसे क्वेश्चन करते हैं ऐसे। तो आप अपना उठाइए, डाटा ऑन करिए मोबाइल का, किए ही होंगे कंकरेंटली, आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते रहिए, फटाफट मुझ पे आए और अपना आंसर देख लीजिए, मैं आपको वॉइस के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो एज वी नो दिस स्लाइड्स, इम्पोर्ट एरे मॉड्यूल, हम लोग अगर इम्पोर्ट करना चाहते हैं एरे मॉड्यूल को, तो आप दो तरीके से मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। आप एरे मॉड्यूल को ही केवल कर सकते हैं, एरे मॉड्यूल के साथ साथ उनके सभी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन सभी को कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, क्रिएटिंग एंड इंस्टॉलाइजेशन वन डी एरे, हम लोग पहला और पहले वाला देखना चल रहे हैं हम लोग इम्पोर्ट के थ्रू। सिंटैक्स, इम्पोर्ट एरे, एरे नेम इक्वल टू एरे डॉट एरे, टाइप कोड, ये देखिए टाइप कोड, फिर आप कॉमा सिंगल कोटेशन मार्क में, फिर वी वन वी टू वी थ्री डॉट 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 वी एन। ये क्या है, कैसे पता चला सर एरे डिक्लेयर कर रहा है, एरे मॉड्यूल, ये है एरे मॉड्यूल। हम क्या है इसके बारे में भी देखो, स्लाइड बनाए हुए हैं, बस आने दीजिए, नेक्स्ट ऐसे हम बटन प्रेस करूँगा आपको अच्छे समझा देगा बहुत बढ़िया से। मैं आपके लिए पढ़ाने के लिए बेटा मैं ज़्यादा खुद ही हार्डवर्क करता हूँ कि मेरी जो स्लाइड्स हों और आप उसको रन कराएं, जो उसको देखें, तो आपको किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, इवन मुझे भी ज़रूरत ना पड़े कि आप कमेंट करें, आप मैसेज करें और अपना माइंड डाइवर्ट करें उस समय जब आप लिसन कर रहे हो हमारे साथ कंकरेंटली क्लास में। तो ठीक है, वी वन वी टू वी थ्री और डॉट 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 वी एन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए मॉड्यूल नेम, ये जो क्लास जो एरे है ये मॉड्यूल नेम है, और ये क्या जरा देखिए, ओ नो क्लास नेम थोड़ा सा ये भाग गया है, ध्यान रखिए। हम एरे आपको बता दूं, ये क्लास नेम ये है, ये एरे क्लास नेम है और एरे एक मॉड्यूल नेम है, एरे सॉरी एरे ये क्लास नेम ये है, ये वाली एरे, और एरे नाम का मॉड्यूल है एरे में, थोड़ा सा हॉच पाच हो गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ एरे क्लास, ये एरे नेम है, ये ऑब्जेक्ट क्लास होगा। एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा कि एग्जाम्पल में इम्पोर्ट एरे, आपने कहा एसटीयू रोल, ये एक प्रकार का आपका क्या बन गया, एसटीयू रोल एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू एरे डॉट एरे। यहाँ पे एरे क्या है, एरे एक मॉड्यूल नेम है, ठीक है, और ये एरे क्या है, ये क्लास है। अगर आप स्टिक लगा देंगे तो आपको एक एरे लिखने से बच जाएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एरे एंड इम्पोर्ट एरे स्टिक, में क्या डिफरेंस है जरा देख लीजिए। ये जो एरे आपको लिखना पड़ रहा है, क्लास नेम और फिर मॉड्यूल नेम बता रहे हैं, दिस इज मॉड्यूल नेम और दिस इज अ क्लास नेम। तो आपको यहां पर मॉड्यूल नेम, अगर आप क्लास नेम, तो आपको अगर स्टिक लगा दिए होते तो आपको एक एरे लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे प्री डिफाइंड वर्ड है एरे और एरे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटा, इसका नाम भी नहीं बदल सकते हो आप। यहाँ पे जो एरे है ये और ये, एक क्लास नेम है एक मॉड्यूल नेम है, ठीक। आगे देखिए, आई क्या है, मैंने बताया था टाइप कोड है, टाइप कोड क्या होता है, डाटा टाइप है, आई फॉर यहाँ इंटीजर से मतलब है, बहुत सारे कोड्स होते हैं, टाइप कोड्स होते हैं, फ्लोट के लिए एफ होता है, इंटीजर के लिए आई होता है, मेन आपको दो जानना है, बाकी आगे की स्लाइड्स में थोड़ा सा बताऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाए, लेकिन जरूरत नहीं है आपको केवल इंटीजर फ्लोट की बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, एलिमेंट थ्री, एलिमेंट फोर, एलिमेंट फाइव, ये दे दिया, ये एरे बन के तैयार हो गया। इम्पोर्ट एरे मॉड्यूल, यहाँ पर एरे मॉड्यूल को इम्पोर्ट किए हैं, आपने मॉड्यूल नेम बताया, आपने क्लास नेम बताया, वहाँ पे एलिमेंट्स देख लीजिए, मात्र आपको ये क्लास नेम जो है ना, ये क्लास नेम, ये एरो नहीं लगा हुआ है, बाकी समझना होगा आपको। लो भाई लग गया, आ गई बात समझ में, एक मिनट जरा देखें तो क्या बात है, बिल्कुल समझ में आ गई। स्क्रीन शॉट कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया से डिफाइन किया गया, एक एक बात एक्सप्लेन कर दी गई, दिस इज द वेरी एक्सीलेंट डिज़ाइन फॉर स्लाइड, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया और चला सब चीज़। देख लीजिए, एक एक बातों को एक्सप्लेन कर दिया गया स्टूडेंट, देख लीजिए, इम्पोर्ट कीवर्ड है, इम्पोर्ट एरे की मदद से आप इम्पोर्ट कर रहे हैं एरे मॉड्यूल को, ये देख लीजिए ये, फिर आप मॉड्यूल नेम, एरे मॉड्यूल का नेम है,
क्लास का नेम है एरे, यहाँ पर एरे क्लास का नेम भी है। और कलर देखिए जरा ध्यान दीजिए, क्या आपके लिए मैंने क्या किया है, ये कलर तो इसका ये कलर, एरे नेम तो इसका मॉड्यूल नेम, ये कलर तो ये कलर। मुझे पता था कहीं हो सकता है ये बॉक्स और ये ना मिसमैच हो जाए, तो मैंने कलर उसका सेट कर रखा था जिससे कन्फ्यूज ना हो बच्चे। लेकिन अच्छी बात है आपकी विशेष के साथ ये बहुत अच्छा पूरा हुआ जिसको आपको समझा दे रहा है। अगर आप स्क्रीनशॉट करके इसी को 5 मिनट देखें और आप गहन अध्ययन करें और अपना अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कंकर्डली आप क्या करें, कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ इसमें क्या कन्फ्यूजन है। ठीक बेटा, तो डाटा टाइप कोड है ये जो सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा गया है, और ये आपका वैल्यू एलिमेंट्स हैं, ये क्लास का नेम है, ये मॉड्यूल का नाम है, ये इंपोर्ट किया जा रहा है, ये आपका एरे का नाम है, ऑब्जेक्ट नेम है, ये डाटा टाइप कोड है, ये एग्जांपल सामने है। गुड आउट, टेक अ टाइम स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स, और ये बहुत अच्छी स्लाइड्स है। आप मुझे लगता है पूरे पैथन के आल 300 अबव की जो स्लाइड्स बनी उसमें सबसे बढ़िया स्लाइड्स आपको ये है जो आपको पूरी तरह से बात को समझा पा रही है। क्रिएटिंग एंड इंसलाइजेशन वन एरे, सिंटैक्स देखिए, फ्रॉम एरे इम्पोर्ट स्टिक, चलो आ गया जिसका था आपको इंतजार, मिल गया आपको, आपको फ्रॉम एरे इम्पोर्ट स्टिक आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आप यहां पर इम्पोर्ट और एरे केवल लिखते, इम्पोर्ट और एरे, तो आपको मात्र मॉड्यूल मिलता एरे का, उसमें सब क्लास फंक्शन नहीं आते। इसका मतलब है फ्रॉम एरे इम्पोर्ट स्टिक, मतलब मैं इस बने हुए मॉड्यूल एरे से इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, एक चीज़ नहीं कि मुझे मॉड्यूल ही इम्पोर्ट किया जाए, मुझे मॉड्यूल भी आ जाए, क्लासेस भी आ जाए, ऑब्जेक्ट भी आ जाए, वेरिएबल्स भी आ जाए, फंक्शंस भी आ जाए, एवरीथिंग वी कैन एक्सेस हियर। तो एरे नेम, एरे टाइप कोड, एलिमेंट्स हमने प्रयास किया है आपको बताने के लिए। देख लीजिए कि एरे नेम आपका जो है वो ये ऑब्जेक्ट नेम है एरे का, ये क्या है एरे का, क्या है ये क्लास नेम है, मॉड्यूल नेम आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, यहां पे क्लास बताने की जरूरत नहीं पड़ा, केवल आपको मॉड्यूल बताने की जरूरत पड़ा। क्यों, क्योंकि आपको, आप तो उसके अंदर का क्लास भी सब ले लिए हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं, डाट करने की जरूरत नहीं है। टाइप कोड यहां पर एलिमेंट्स, क्लास नेम है ये, आपने मॉड्यूल नेम नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है, क्योंकि आपको मॉड्यूल बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लास के अंदर मॉड्यूल होते हैं तो क्लास नेम बता दिया, वही इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वहां पे उसके पहले वाली स्लाइड में कुछ 19-20 जरूर हुआ है, देख लेके कंफर्म कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑब्जेक्ट एरे क्लास है, एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, आपको एक बार एरे लिखना पड़ा है, फ्रॉम इम्पोर्ट, फ्रॉम एरे इम्पोर्ट एसटिक सिंबल, एसटीयू रोल नंबर, ये ऑब्जेक्ट है एरे, आई, आई क्या है इंटीजर, आपने डाटा टाइप कोड बताया है, और ये वैल्यू आपने दिया है। आप सर यहाँ कोई दूसरी वैल्यू ले लें तो एरर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, आइडेंटिफायर इज अ सिंगल, होल्ड द वेरियस डाटा एलिमेंट्स, बस ये है। देखो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, इफ वी आर इम्पोर्ट दिस टाइप ऑफ, लास्ट में इफ वी आर इम्पोर्ट दिस टाइप ऑफ एरे, यदि आप इस टाइप से एरे इम्पोर्ट करते हैं स्टिक लगा के, देन तब वी कैन लीव एक्स्ट्रा टर्म ऑफ एरे मॉड्यूल, आपको एरे मॉड्यूल करने का नाम जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास कर देने से मॉड्यूल उसके अंदर खुद ही चला गया होगा, बिकॉज इम्पोर्ट एरे स्टिक मॉड्यूल मीन्स अलाउ, विदाउट, मैंने नोट करके छोटा सा जरूर लिखा है लेकिन आपको क्लियर कर दिया है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर हम इम्पोर्ट एस्टिक ना करें, ये लाइन ना करें, केवल इम्पोर्ट एरे करें तो क्या होगा, इम्पोर्ट एरे करना पड़ेगा तो आपको ऑल टाइम मॉड्यूल का नाम डॉट फिर क्लास का नाम आपको बताना पड़ेगा। ठीक, ऑल सब मॉड्यूल्स बताया गया, अलाउ ऑल सब मॉड्यूल्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द एरे मॉड्यूल्स। तो ये क्रिएटिंग और इंसलाइजेशन की बात थी। आगे देखिए, क्रिएटिंग इम्पटी वन डायमेंशन एरे, सर इम्पटी कैसे बनाते हैं, तो आपको जो तैयार करने का तरीका तो सेम ही है, फ्रॉम एरे इम्पोर्ट, ठीक है, एरे नेम, एरे क्लास नेम, टाइप कोड, और ये देखिए आपने इम्पटी बना रखा है, क्या बना रखा है, ये देखिए इम्पटी एरे है। इम्पटी एरे का क्या मतलब है, आप इसमें रन टाइम वैल्यू डालने की बात करना चाहते हैं,
आप पूछते हैं ना सर हम क्या एरे में रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, जी कर सकते हैं इनपुट के माध्यम से, बशर्ते उसमें आप क्या करिए इम्पटी छोड़ जाइए, दिस इज कॉल्ड टू इम्पटी एरे। ठीक है, ये देखिए क्लास नेम आपने लिखा है, मॉड्यूल नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप स्ट्रिक लगाते हैं, मैं बार बार बता रखा हूं, यही मात्र डिफरेंस है, यही आपको छूट मिल जाती है। आगे देखें एरे नेम ऑब्जेक्ट ऑफ एरे क्लास, यहां पे क्या हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ एरे क्लास है, ये क्लास का नेम है एरे, ये आपने टाइप किया है टाइप कोड, यहां पे टाइप कोड बेटा मैंने नहीं किया, थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, नहीं सिंटैक्स एक्चुअली में, ठीक है ये तो सिंटैक्स इसलिए नहीं बताया गया, अभी देखो एग्जाम्पल में ही चीज बताया गया होगा, जरा देखिए फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टिक एसटीयू रोल नंबर एरे आई कॉमा स्क्रिप्ट सिंबल, एरे सिंबल इसे कहते हैं हम लोग, एरे का सिंबल छोड़ दिया है, जैसे लिस्ट, अब लिस्ट और एरे एक ही आप समझेंगे, लेकिन अब देखो याद रखना ये जो सिंबल है अब लिस्ट नहीं है, अगर एरे फंक्शन के अंदर एरे क्लास के अंदर आपने क्या किया है आर्गुमेंट पास किया है, सॉरी ये मेथड्स है, क्या ये मेथड से क्लास नेम बार बार हम लिख रहे हैं, यहाँ मेथड नेम है एरे, ठीक है दिस इज अ मेथड नेम और दिस इज अ आर्गुमेंट्स, इस मेथड नेम एरे मेथड नेम के अंदर दो आर्गुमेंट पास होते हैं और ये आर्गुमेंट जो पास हो रहा है लिस्ट नहीं है, याद रखना एरे मेथड के अंदर ऑलवेज जो भी ये स्क्रिप्ट होगा ये एरे स्क्रिप्ट कहलाएगा, मतलब ये एरे का सिंबल है। टाइप कोड जो बार बार आप कंफ्यूजन है देख लीजिए, टाइप कोड है सी में, सी टाइप में, सी लैंग्वेज में क्या इसका नाम था, पैथन में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको देखेंगे, और क्या बाइट जगह कंज्यूम करता है, तो स्मॉल बी फॉर साइंड करेक्टर सी में होता था, यहाँ पैथन में ऐसा कुछ है ही नहीं है, बी के लिए अनसाइंड करेक्टर होता था, सी हम पढ़ ही नहीं रहे तो हम इसकी ये लाइन ही भूल जाइए आप, ये छोड़ दीजिए, इसको देखिए और मात्र दो देखिए आप बस, आपको केवल आई और एफ दो यूज करना है, फ्लोट के लिए आई, फ्लोट के लिए एफ और इंटीजर के लिए आई, और आपको कुछ नहीं देखना है, दो ही आप टू कोड यूज करेंगे टाइप कोड, और आप देखें भी एग्जाम्पल में ये दो बाइट, ये चार बाइट कंज्यूम करता है, ये आठ बाइट कंज्यूम करता है, सॉरी चार बाइट कंज्यूम करता है एफ करने से, और आई करने से क्या करता है दो बाइट कंज्यूम करता है, हालांकि ये डिपेंड करता है आपके बिट प्रोसेसर मशीन पर, अगर वो 32 बिट होगा तो दो बाइट लेगा, 64 बिट प्रोसेसर होगा तो वो चार बाइट लेगा, वो ऐसे ग्रोथ करेगा। ठीक है, टाइप कोड में इस टेबल में कुछ नहीं है, मात्र ये समझिए कि आई और एफ ले सकते हैं टाइप कोड में। इंडेक्स क्या होता है, एन इंडेक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन नंबर ऑफ द एरेज एलिमेंट्स, आप इंडेक्स नंबर जानते हैं, आप तो पढ़ के आए बेटा पहले से ही, लिस्ट फिर फॉर्म एरे स्टिक, आपने देखिए क्या किया स्टूडेंट रोल, आपने आई दिया ये डाटा कोड है, आपने देखो इंटीजर टाइप की ही पूरी वैल्यू रखा, प्रोग्राम टाइम करना चाहते हैं तो पैथन इंटरप्रेटर एलोकेट्स 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एंड स्टोर द एलिमेंट्स, 5 ब्लॉक बनाएगा और ये देखो क्या करेगा आपका ये किस तरह से, फिर से देख लीजिए क्या हुआ, ये आपने देखा है पैथन इंटरप्रेटर एलोकेट 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ये देखिए एंड क्या स्टोर करेगा ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दिया, और आगे देखिए इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0, इंडेक्स ऑलवेज 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ेगा, ऑलवेज जो वैल्यू उससे कम तक इंडेक्स नंबर रहेगा, वैल्यू है 5 तो इंडेक्स नंबर क्या रहेगा 4, और वैल्यू है 100 तो इंडेक्स नंबर क्या रहेगा 99, मतलब एक कम तक, ये तो लिस्ट पढ़ के आए आप समझ गए होंगे इस बात को। अच्छा इसी तरह हम लोग इसको पूरा तो नाम है नहीं इसका एड्रेस, इसका मालिक तो है एस टी यू रोल, तो इसका जो पूरा नाम होना चाहिए इस एड्रेस का इस ब्लॉक का एस टी यू रोल ऑफ 0, एस टी यू रोल ऑफ 1, एस टी यू रोल ऑफ 2 और एस टी यू रोल ऑफ 3, एस टी यू रोल ऑफ 4, कुछ इस तरह से जरा देखिए आइडेंटिफायर तो इस तरह से होना चाहिए, पूर्णता इसको फुल्ली इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, देख लीजिए पीछे कोई डाउट, आप लिस्ट पढ़ के आए कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं इसके बारे में अच्छे से, एक्सेसिंग 1D एरे एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं ये भी देख लीजिए, ये वैल्यू देख लीजिए आप स्टोर कर लिए, और ये रहा एक्सेस करने का तरीका, पहले से जानते थे देख लीजिए, ठीक है हम इसको बढ़ाएंगे ही, मैं इसको आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जय जी देख लीजिए कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ बेटा, कमेंट्स कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको, इट इज़ वेरी इजी एंड वी कैन से दैट इट इज़ अ बिल्कुल इट इज़ अ सॉरी इट इज़ अ सिमिलर एज, अब हिंदी इंग्लिश बोलते हैं तो कन्फ्यूजन हो सकती है भाई, सिमिलर एज क्या हो सकता है ये जैसे लिस्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ वैसे इसको बैठा लीजिए, एग्जैक्टली उसी तरह। एक्सेसिंग एरे यूजिंग फॉर लूप, हम लोग एरे को कैसे एरे से कैसे
बैलू निकालें, फॉर लूप, हम इस वीडियो को और यही वीडियो से नई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पहले हम लोग पहले इसको समझ लें, उसके बाद मतलब हम लोग यहां तक कैसे हम लोग एरे डिक्लेयर, एरे क्या है आपने देखा, एरे 1D होता है, 2D एरे होता है, ये भी जाना। वाई नीड ऑफ एरे आपने ये भी जाना। डिफरेंस क्या है एरे लिस्ट में आपने ये भी जान लिया। उसका सिंटैक्स क्या होता है, हम दो तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं एरे को, हम फ्रॉम इंपोर्ट एरे स्टिक भी कर सकते हैं, सॉरी फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टिक भी कर सकते हैं, और हम लोग इंपोर्ट एरे भी कर सकते हैं। दोनों में क्या बेनिफिट है, कॉल ऑफसेट से आपने देख लिया, उसका मेमोरी लोकेशन देख लिया, और कैसे हम लोग प्रोग्राम इंपटी बनाते हैं ये भी देख लिया, बस रन टाइम वैल्यू डालना और कैसे लूप से वैल्यू निकालते और डालते हैं ये देखने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ज्वाइन दिस क्लास, थैंक यू सो मच क्लास।